हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी व्याकरण में मैंने आपको बताया कि हिंदी लगभग हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज आपका एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, उस पर हम परिचर्चा कर रहे हैं। दो दिन और जो मुझे महत्वपूर्ण लगेगा उन चीजों पर चर्चा के बाद आपको मैं सभी के कंबाइंड नोट्स जो है कंबाइंड पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा, जिससे कि ये आप क्या कर सकते हैं, उस नोट्स को प्रिंट करवा सकते हैं और भविष्य में जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके लिए उनका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी भी जो लोग नए, अब न्यू मंथ चुकी प्रारंभ हो रहा है, 3 महीने का आप फिर से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहां से आपको फिर से सारी क्लासेस की पीडीएफ उपलब्ध होने लगेगी। तो जो लोग अभी भी इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये 10+ कोर्स है, इसके अंतर्गत विभिन्न कोर्सों को हम लगातार चलाते रहेंगे। जो पीछे छूट गया है वो आगे फिर आने पर आपका फिर से कवर किया जाएगा, यानी एक चक्र में पूरी चीजें चलनी है जहां पर आपके विभिन्न विषय को हम कवर करेंगे। चलिए, अगर आपको कोई समस्या होती है, किसी भी चीजों में एडमिशन लेना है, किस कोर्स को ज्वाइन करना है, कोई भी दिक्कत होती है, उसके लिए आप इस नंबर पर कभी भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, 9450006007 पर, या आप इन दो नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, जो कुछ आपको सूचना जानकारी चाहिए। 3 महीने का जो प्लान है वो 499 नाम मात्र के शुल्क में है। इसमें जितनी हम 4 से 5 क्लासेस करवाते हैं दिन में, उन सभी के नोट्स आपको हम उपलब्ध करवाते हैं, पीडीएफ उपलब्ध करवाते हैं। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। आज कौन सा टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं हिंदी व्याकरण में, इस पर ध्यान दीजिए सारे लोग। देखिए, आज जो आपका भैया टॉपिक है उससे लगभग आपका अगर 25 प्रश्न आने हैं हिंदी में, तो उसमें मान के चलिए आपका लगभग 1 या 2 क्वेश्चन यहां से बनता है। 25 में 1 या 2 प्रश्न, अगर उसमें प्रश्नों की संख्या ज्यादा बढ़ गई, 40 प्रश्न हो गए, तो वहां पर इसका योगदान बढ़ जाएगा। ये 3 क्वेश्चन भी आपका आता है, ठीक है। तो 1 प्रश्न या 2 या 3, मतलब मैक्सिमम 3 और मिनिमम 1 क्वेश्चन इससे होता है, जो अभी आपका UP SSC का सिलेबस है उस अनुरूप। हेडिंग क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे आज आप विराम चिन्ह, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विराम चिन्हों में सबसे पहले आखिर ये चिन्ह होते क्या है, देखिए विराम का अर्थ क्या होता है। अगर मूल अर्थ इसके देखें तो विराम का अर्थ होता है कि रुकना एक जगह पर या ठहराओ, रुकना या फिर इसको बोल सकते हैं हम ठहराओ। तो विराम का अर्थ होता है, मूल अर्थ होता है ठहराओ या फिर रुकना। वाक्यों में जब किसी वाक्य को हम बोलते हैं तो बीच बीच में वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, उसके भावार्थ को क्लियर करने के लिए, साफ करने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, कुछ समय वहां पर रुकते हैं, कुछ क्षण वहां पर रुकते हैं। उन्हीं क्षणों को किन्हीं चिन्हों के द्वारा, विशेष चिन्हों के द्वारा दिखाया जाता है और उन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। समझ गए, इसकी यह परिभाषा होगी। अब बात यह आती है कि विराम चिन्हों का प्रयोग आखिर वाक्यों में जब हम करते हैं तो कैसे वाक्यों में अर्थ को स्पष्ट करते हैं, भाव को बदलते हैं। ठीक, मैंने 2 बातें बताई ना, कि अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, भाव को स्पष्ट करने के लिए। तो देखिए भैया, मैं एक उदाहरण के तौर पर यहां वाक्य लिख रहा हूं, इस वाक्य को आप समझिए और फिर देखिए कि कैसे विराम चिन्हों का अर्थ भी जो है स्पष्ट करने में उपयोग होता है और भावार्थ भी पता चलता है। देखिए, मैं लिख रहा हूं एक वाक्य, जैसे एक वाक्य आपके सामने है, रोको मत जाने दो। यहां पर मैंने जो है एक वाक्य लिखा और दूसरा वाक्य मैं इसके जस्ट नीचे लिख रहा हूं, इसी को लिख रहा हूं, देखिए इसी को मैंने रिपीट किया, रोको मत जाने दो। इसी वाक्य को मैंने लिखा है, बस मैंने यहां पर जो आपका कॉमा लग रहा था इसको यहां पर लगा दिया, जो यहां लग रहा था उसको मैंने यहां लगा दिया। अब इन दोनों वाक्यों को पढ़िए, क्या इनके अर्थ अलग हैं या नहीं। पहला वाक्य कह रहा है रोको मत जाने दो, दूसरा क्या कह रहा है, रोको मत जाने दो। एक कह रहा है उसको जाने नहीं देना है, इसको रोकना है, रोक दो, और दूसरा कह रहा है अरे रोको मत जाने दो। ठीक, यहां पर आपको जाने के लिए बोला जा रहा है, यहां पर आपको रोकना है, ठीक है, रोकने के लिए बोला जा रहा है। तो दोनों में देखिए वही वाक्य लिखा है, बस
विराम चिन्हों का प्रयोग कर लिया गया और उनकी वजह से इस पूरे जो है वाक्य का भावार्थ ही बदल गया। यहां आपको जाने देने का भाव है और यहां पर आपको रोकने का भाव है, ठीक है, समझ गए ना कि विराम चिन्हों की कितनी महत्वपूर्ण। हिंदी अगर आपके व्याकरण में देखा जाए तो हिंदी व्याकरण में जो विराम चिन्ह आपके आए हुए हैं, इन विराम चिन्हों को दो विभिन्न भाषाओं से जो है लिया हुआ माना जाता है। कुछ विराम चिन्ह भारतीय भाषाओं के हैं और कुछ आपके यूरोपीय भाषाओं के विराम चिन्ह हैं, ठीक है, जो विराम चिन्ह हम प्रयुक्त करते हैं। हालांकि कई अलग अलग व्याकरण आपके ये मानते हैं कि हिंदी में जितने आपके विराम चिन्ह हैं वह सभी के सभी अंग्रेजी से लिए गए हैं। अंग्रेजी जब आप भाषा पढ़ते हैं तो उसमें जैसे फुल स्टॉप हो गया, कॉमा हो गया, सेमी कॉलम हो गया, इन सभी का जो है प्रयोग किया जाता है। हालांकि जो है अंग्रेजी में प्रयोग होता है वही हिंदी में भी प्रयोग होता है, ठीक। तो भारतीय भाषाओं के बारे में भी मिलता है, यूरोपियों के बारे में मिलता है। भारतीय भाषाओं का अगर देखें तो सबसे बड़ा जो मिलता है वह पूर्ण विराम का जो चिन्ह होता है, इसी का प्रयोग हमें मिलता है। अंग्रेजी में देखा जाए या यूरोपीय भाषाओं में तो यहां एक बिंदु लगा होता है, इसको फुल स्टॉप बोलते हैं, और जो अर्थ जिसके प्रयोग के लिए जो है इस जो है चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसी चीज के लिए इस अपने पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। मतलब है दोनों चीजें एक ही, तो क्या हिंदी के इस पूर्ण विराम को अंग्रेजी के फुल स्टॉप को एक मान लिया जाए? नहीं, हम एक नहीं मानेंगे भैया। हम यहां इसको खड़ी पाई खींचते हैं। खड़ी पाई का मतलब हो गया कि यहां पर वाक्य आपका समाप्त तो हो गया, पूर्ण हो गया अपने आप में, और ये जो फुल स्टॉप होता है इसका भी है, लेकिन चीजें एक जैसी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसमें बहुत सारे विराम चिन्ह आपके आते हैं हिंदी व्याकरण में, कहीं 13 लिखे मिलेंगे, कहीं 18 लिखे मिलेंगे, कहीं 20 लिखे मिलेंगे, ठीक है, इस तरीके से लिखे मिलते हैं। लेकिन मैं विराम चिन्हों में जो मानक चलता है आपका 13 विराम चिन्हों का चलता है, उन्हीं पर परिचर्चा आपसे करूंगा, ठीक। उनका प्रयोग कहां पर कैसे किया जाता है उनसे संबंधित, इसमें देखिए अभी तक जो चीजें पूछा है, विराम चिन्ह से संबंधित सवाल कैसे पूछता है। अगर आपको मैं SSSC का पैटर्न बताऊं, जैसा इसने घोषित किया है जब से कि हमारे सिलेबस में विराम चिन्ह है, इसमें दो प्रकार से क्वेश्चन ये पूछता है। पहला जो इसके क्वेश्चन पूछने का तरीका है वह यह कहता है कि जो है वाक्यों में विराम चिन्ह की अशुद्धि से सवाल पूछता है, ठीक है। पहला जो इसका तरीका होता है वाक्यों में विराम चिन्ह की अशुद्धि से सवाल पूछता है, तो एक तो इसका पहला तरीका ये है, ठीक है। और दूसरा जो इसका तरीका होता है वह तरीका इसका यह है कि सीधा सीधा आपसे पूछता है कि विराम चिन्ह को पहचानिए, ठीक है, विराम चिन्ह को पहचानने से सवाल पूछता है। तो दो टाइप के सवाल UP SSSC इससे पूछता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक। वाक्यों में दे देगा कि निम्न में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का गलत प्रयोग हुआ है पहचानिए, तो चार वाक्य देगा, उसमें अलग अलग जगहों पर विराम चिन्ह लगाएगा और वहां पहचानना होता है। ऐसे कहीं कहीं आपको दे देगा कि दिए गए वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है, या सीधा सवाल पूछता है कि उदाहरण चिन्ह का कौन सा जो है ये होता है चिन्ह होता है पहचानिए, या फिर आपसे पूछ लेगा पूर्ण विराम का कौन सा चिन्ह होता है, इस हिसाब से सवाल आपसे पूछता है। तो UP SSSC में दो तरीके के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अब आगे इन्हीं पर हम परिचर्चा करते हैं, संक्षेप पूरा समझ गए होंगे, पूरी चीजों को जान गए होंगे, परिभाषा वगैरह जो मैंने बताई है वही चीजें हैं। अब देख लेते हैं हिंदी में जो आपके प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह हैं वह कौन कौन से हैं। पहला आपका होता है अल्प विराम, जिसको आप बोलते हैं कॉमा, ठीक, शब्दों के बाद में लगाते हैं। दूसरा जो आपका होता है यह अर्ध विराम कहलाता है, इंग्लिश में बोलते हैं सेमी कॉलन, ठीक, एक पॉइंट ऊपर ऐसे और दूसरा ऐसे कॉमा लगाते हैं। तीसरा जो इसमें आपका विराम चिन्ह होता है यह आपका पूर्ण विराम होता है, अंग्रेजी में आप फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं, एक खड़ी पाई ऐसे खींच देते हैं शब्द के वाक्य के अंत में। चौथा जो प्रकार होता है या उपविराम होता है, इसको कॉलन बोलते हैं ऐसे, ये उपविराम कहलाता है। पांचवा जो होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह होते हैं, ठीक, विस्मयादि बोधक, मैंने इससे पहले भी आपको शब्दों को इनके पढ़ाया है और इस चिन्ह को भी बताया है, यह चिन्ह प्रयुक्त होता है जहां पर इस चिन्ह को जो है क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। अगला जो चिन्ह होता है छठा प्रकार, वह होता है प्रश्नवाचक, ठीक, जिसको आप अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क बोलते हैं।
और अगला जो सातवां प्रकार है वह होता है कोष्ठक, जिसको इंग्लिश में आप ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, कोष्ठक तीन तरीके के प्रयोग होते हैं, एक छोटा वाला होता है, फिर एक आपका मझला वाला होता है, ठीक है, और एक आपका बड़ा वाला होता है। तीन तरीके के कोष्ठक आप प्रयोग करते हैं। अगला चिन्ह जो होता है, आठवां भेद होता है, वह योजक चिन्ह कहलाता है, जिसको आप अंग्रेजी में हाइफन बोलते हैं। ठीक है, बीच में आप डैश लगा देते हैं, हाइफन। इसके बाद नौ नंबर जो होता है, ये अवतरण चिन्ह कहलाता है। अवतरण को हम उदाहरण चिन्ह भी बोलते हैं, अंग्रेजी में हम लोग इसको इन्वर्टेड कामा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं। एक आपका होता है, कोई बड़ी चीज लिखी है तो उसको शॉर्ट में लिखते हैं, जिसको हम लाघव चिन्ह हिंदी में बोलते हैं, या इसको आप बोल सकते हो संक्षेप चिन्ह। ठीक है, और यहां पर जो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एब्रिविएशन साइन बोलते हैं, किसी बड़ी चीज को छोटा लिखने में जो हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद एक आता है आपका आदेश चिन्ह, जो ग्यारहवां प्रकार है चिन्हों में, विराम चिन्हों में, वह होता है आपका कौन सा, आदेश चिन्ह। ठीक, इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है साइन ऑफ फॉलोइंग इसको बोलते हैं। ठीक, यानी जब आपकी रेशियो वाली चीजें मिले उसके आगे डैश खींच दिया जाए, तो ये चीजें होती हैं। इसके बाद जो आपका बनता है बारमत प्रकार बनता है, या रेखांकन चिन्ह, अंग्रेजी में आप बोलते हैं अंडरलाइन। ठीक है, यह भी एक चिन्ह है, किस लिए प्रयुक्त होता है अभी आगे बताऊंगा कि इनका प्रयोग क्या है। इतने चिन्ह हम प्रयोग तो करते हैं, लेकिन कहां पर किस भाव को, किस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए करते हैं, उन सभी को हम आगे अभी परचर्चा करेंगे। उसके बाद अंतिम चिन्ह आता है, जो लोप चिन्ह होता है, मार्क ऑफ ओमिजन, जहां पर कोई चीजें जैसे खाली स्थान भरो तो वहां पर इसको लगा देते हैं। इसके अलावा भी कई चिन्ह माने जाते हैं। ठीक, 18 और 20 मैंने बताया कि होता है, किताबों में लिखा मिलेगा कि 18 भी लिखा मिलेगा, 20 भी लिखा मिलेगा, तो वहां पर कुछ बढ़ जाते हैं, जैसे त्रुटिपूर्ण वाला, टिप्पणी लेखन, यही सब आपके सिंबल बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग गिनती में उसको 18 जोड़ लेते हैं और 20 जोड़ लेते हैं। चलिए एक एक चिन्ह में शुरू करता हूं। सबसे पहला आता है अल्प विराम, कॉमा जिसको आप बोलते हैं। भाई अल्प का मतलब क्या है, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, विराम का मतलब ठहराव, जहां वाक्य में थोड़ी देर के लिए रुकना हो, थोड़ा सा ठहराव चाहिए, वहां इस जो है विराम चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। ठीक, अल्प मैंने पहले ही बताया, जैसे इसका प्रयोग कैसे कैसे, जैसे जब हम बहुत सी वस्तुओं को आप वर्णन एक साथ करते हैं तो उनके बीच बीच में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे भारत में, यहां शब्द लिखा है, भारत में गेहूं, चना, बाजरा, मक्का, अब इन सभी के बीच में देखिए कॉमा का इस्तेमाल किया गया, यानी एक सारी वस्तुएं सब लिखी है, सभी को अलग अलग बताना है, तो वहां पर हम इस कॉमा का प्रयोग करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जब हम संवाद लेखन करते हैं, बातचीत लेखन करते हैं, तब भी अल्प विराम का जो है प्रयोग होता है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, अब इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, थोड़ा सा ठहराव लेंगे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तो उसके बाद हम थोड़ा सा ठहराव लेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, उसके लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। अगला बोला संवाद के दौरान हां अथवा नहीं के पश्चात भी इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे समझिए रमेश, ठीक, संवाद हो रहा है, दो व्यक्तियों के बीच के संवाद का वर्णन है। रमेश केशव, क्या तुम कल जा रहे हो, अब यहां पर कॉमा लगा, उसके बाद जब केशव का जवाब आया नहीं, फिर कॉमा लग गया, मैं परसों जा रहा हूं, मतलब ठहराव होगा, अर्थ को स्पष्ट करने के लिए होगा, वहां पर हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। इसके कुछ नियम भी है हिंदी में विराम चिन्ह का प्रयोग। सबसे ज्यादा हिंदी में विराम चिन्ह अगर देखा जाए तो वह आपका क्या होता है, ये कॉमा का प्रयोग होता है। ठीक, इसके प्रयोग की अगर स्थितियां देखें, कौन कौन सी स्थित, किस किस स्थित में विराम चिन्ह आपका कॉमा प्रयोग होता है, वैसे आप हिंदी भाषी सभी विद्यार्थी हैं तो आपने प्रयोग तो किया है, लेकिन आपने कभी इन चीजों पर नहीं गौर किया होगा कि आखिर इसके नियम भी बने हैं। देखिए वाक्य में जब दो या दो से अधिक समान पदों और वाक्यों में संयोजक अव्यय, क्योंकि अब जो SSS सवाल पूछता है ना भैया, वो अब लैंग्वेज में सवाल पूछता है, भाषा में सवाल देगा आपसे। ठीक, ऐसे कोई एक भाषा लिख देगा और आपसे पूछेगा इसमें किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे बताइए, ऐसा सवाल पूछा है तब मैं आपके सामने बता रहा हूं। देखिए वाक्य में जब दो या दो से अधिक समान पदों और वाक्यों में संयोजक अव्यय, मतलब जोड़ने वाले,
जैसे और है, और आपका क्या है संयोजक अव्यय है ना, अगर संयोजक अव्यय आपका आए वहां अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे पदों में मैंने लिखा है, पद के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। अब यहां और आया ना, तो जब और आया तो जाहिर सी बात है इन सभी में हम कॉमा का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। वाक्य में जैसे वह जो रोज आता है, अब इसके बाद कॉमा लग गया, काम करता है और चला जाता है, यहां पर भी प्रयोग हो गया ठीक। और जैसे ही यहां पर आया तो इसमें किसका प्रयोग किया गया, अल्प विराम का प्रयोग किया गया, ये इसके नियम के अंतर्गत है। उसके बाद जहां शब्दों को दो या तीन बार दोहराया जाए वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। दो या तीन बार अगर कोई शब्द रिपीट हो रहा है तो वहां अल्प विराम आएगा ही आएगा। जैसे वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, इस वाक्य को जो है शुद्ध अशुद्ध में भी एक बार पूछ चुका है तो ध्यान रखिएगा। सुनो सुनो वह क्या कर रही है, ये सारे बाकी आपके उदाहरण जो मैंने लिए हैं ये पूछे गए हैं ट्रिपल एससी के पेपर में। सुनो सुनो वह क्या कर रही है, अब यहां पर सुनो के बाद भी आपका विराम चिन्ह होगा और यहां पर भी विराम चिन्ह होगा, याद रखिएगा ठीक है। दोनों जगह विराम चिन्ह का प्रयोग होगा तभी यह वाक्य आपका सही होगा विराम चिन्ह की दृष्टि से। इसके बाद तीसरा वाक्य आपके सामने लिखा है, नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब इन दोनों जगहों पर जहां पर शब्द आपका दो बार रिपीट होगा, बार बार दोहराव होगा, वहां हमें अल्प विराम की जरूरत पड़ती है और अल्प विराम का हम प्रयोग करेंगे। समझ गए दिमाग में, इससे प्रश्न आया है, ये दोनों तीनों वाक्य आप समझ सकते हैं कि आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए वहां अल्प विराम का चिन्ह लगता है, किसी को संबोधित करना है ठीक है। जैसे भाइयों अब समय आ चुका है सावधान हो जाएं, अब भाइयों जैसे बोला गया यहां संबोधन है भैया तो तुरंत इसके बाद अल्प विराम लगेगा ठीक है। प्रिय महाराज मैं आपका आभारी हूं, प्रिय महाराज बोला गया इसके बाद कॉमा का प्रयोग किया गया, थोड़ा सा विराम दिखाया गया। सुरेश कल तुम कहां गए थे, देवियों आप हमारे देश की आशाएं हैं। तो इन सभी में जहां संबोधन होगा वहां अल्प विराम होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगली चीज, जिस वाक्य में वह तो या अब इत्यादि लुप्त तो हो, जहां पर ये शब्द आपके लुप्त तो मिलते हैं वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे मैं जो कहता हूं कान लगाकर सुनो, अब यहां कान लगाकर सुनो ये नहीं, यहां पर वह आना चाहिए ना, मैं जो कहता हूं वह कान लगाकर सुनो, लेकिन वह नहीं आया इसलिए यहां अल्प विराम का प्रयोग होगा। समझ गए, वह कब लौटेगा कह नहीं सकता ठीक। अब यहां पर यह आना चाहिए लेकिन यह यहां पर गायब है, वह कब लौटेगा यह कह नहीं सकता लेकिन यह गायब है, तो यहां अल्प विराम का प्रयोग होगा ही होगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, इसके बहुत सारे आपके प्रयोग करने के नियम है जहां पर इनका प्रयोग होता रहता है। यदि वाक्य में प्रयुक्त किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता किसी संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से बतानी हो तो वहां अल्प विराम का प्रयोग होगा ठीक। जैसे मेरा भाई जो एक इंजीनियर है इंग्लैंड गया है, अब यहां पर देखिए संबंध बताना है ना, संबंध के बारे में बताना चला पड़ा तो वहां पर आपको किसका अल्प विराम का प्रयोग करना ही पड़ेगा। ऐसे दो यात्री जो रेल दुर्घटना के शिकार हुए थे अब अच्छे हैं, अब इनमें भी देखिए जहां पर ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, जहां पर ऐसी चीजें आपको मिलेंगी वहां पर हम किनका प्रयोग करेंगे, वहां हम कॉमा का प्रयोग करते ही करते हैं। अंग्रेजी में दो समान वैकल्पिक वस्तुओं तथा स्थानों की अथवा या आदि से संबद्ध करने से पहले उनके पीछे पहले अल्प विराम लगाते हैं। अंग्रेजी है तो उनके पीछे हम अगर और लगा है या लगा है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपका इस शब्द का जो है इस कॉलम का प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारी परिभाषाएं लिखी है। ठीक विपरीत दो भिन्न वैकल्पिक वस्तुओं तथा स्थानों को अथवा या आदि से जोड़ने की स्थिति में अथवा या जो है अथवा या आदि के पहले अल्प विराम नहीं लगाया जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे आई शुड लाइक टू लिव इन डेवन आर कॉर्नवॉल, अब इन दोनों चीजों के बारे में कहा गया तो यहां पर आपका नहीं लगेगा ठीक, लेकिन इससे पहले जो बताया मैंने वहां पर लगा था। ऐसे बहुत सारे इसमें केसेस दिए होते हैं ठीक, इन नियमों का पालन कड़ाई से नहीं होता है हिंदी में, हिंदी में जो नियम इसमें अंग्रेजी में है वो नहीं होता। जैसे यहां पर लगा है
कि पाटलिपुत्र या कुसुमपुर, अब यहां लगना चाहिए भारत की पुरानी राजधानियां थी। कल मोहन अथवा हरि कलकत्ता जाएगा, यहां प्रयोग नहीं होता हिंदी में, अंग्रेजी में होता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति की उक्ति के पहले अल्प विराम का प्रयोग होता है। मोहन ने कहा मैं कल पटना जाऊंगा, अब यहां मोहन ने कहा इसकी उक्ति है, उससे पहले क्या होगा, उसके बाद में आपका अल्प विराम का प्रयोग होगा ही होगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जितनी चीजें हैं हिंदी की दृष्टि से वो चीजें मैंने बता दी हैं। अगला जो आपका विराम चिन्ह होता है या होता है सेमी कॉलन, ठीक है, एक बिंदी ऊपर रखी गई, उसके बाद आपका ठीक उसके जस्ट नीचे कॉमा लगा दिया गया, इसको समझे। यहां अल्प विराम से कुछ अधिक ठहरते हैं, दो दो चीजें लगी है ना, एक अल्प विराम लगा है ऊपर, एक और बिंदी लगी। यहां जब हमें अल्प विराम से ज्यादा समय के लिए ठहरना होता है तथा पूर्ण विराम से कम ठहरना हो, वहां पर अर्ध विराम का चिन्ह प्रयोग करते हैं, समझ गए, इसको अर्ध विराम कहते हैं। यदि एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो तो वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए, यह आपका उदाहरण लिखा है कि फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है, किंतु अब माना गया है, अब इसके बाद पूर्ण विराम नहीं आया, इसके बाद आपका चूंकि वाक्य आगे भी है लेकिन हमें अल्प विराम से ज्यादा ठहरना है, इसलिए अर्ध विराम का प्रयोग किया गया, ठीक है। ऐसे ही वाक्य आपको लगातार इसमें मिलते रहेंगे, उन चीजों को आपको समझना है। तीसरा प्रकार पढ़ते हैं पूर्ण विराम, जिसको आप फुल स्टॉप बोलते हैं। देखिए, जहां एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए वहां पूर्ण विराम यानी खड़ी पाई का चिन्ह लगाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयोग सबसे ज्यादा होता है, सबसे व्यापक, इसके बाद आपका अल्प विराम होता है, ठीक है। अंग्रेजी में देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसका, आपके अल्प विराम का प्रयोग होता है, जो सबसे पहले हमने बताया कॉमा। यह चिन्ह हिंदी का प्राचीनतम विराम चिन्ह है, यह सवाल आ चुका है भैया, पूछा जा चुका है, तो इसको इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। हिंदी का प्राचीनतम विराम चिन्ह कौन सा है, हिंदी का प्राचीनतम विराम चिन्ह जो है वह पूर्ण विराम है, क्योंकि वेदों में जो श्लोक लिखे गए उनके पीछे देखिए खड़ी पाई में मात्राएं खींची गई हैं, तो सबसे पुरानतम तो यही है भैया ना। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना या पूरी तरह ठहरना, जहां एकदम वाक्य पूरी तरीके से क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, ठीक, वहां पर हम रुकते हैं। जैसे यह हाथी है, समाप्त चीज है, हमें रुकना है, पूर्ण विराम लगा दिया गया। यह लड़का है, वह मोहन है, ठीक, यानी ये वाक्य अपने आप में पूरे हो चुके होते हैं और हमें ठहराव चाहिए होता है, तो वहां पर हम पूर्ण अर्थ भी इनसे निकल चुका होता है, वहां हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले इसमें, इसका चूंकि याद है जहां से भी होगा, अगर इसको समझिए उप विराम को, कॉलन, ये क्या होता है, उप विराम में दो, ठीक, जैसे आप गणित में पढ़ते हैं अनुपात, तो अनुपात का जो चिन्ह होता है इसको क्या बोलते हैं, ये उप विराम है भैया हिंदी में, ठीक है। जहां वाक्य पूरा नहीं होता बल्कि किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में बताया जाता, वहां अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, या जिसको हम उप विराम कहते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आगे बढ़िए इसमें, उदाहरण क्या लिखा है, कृष्ण के अनेक नाम हैं, अब उनके आगे नामों का वर्णन करना है, तो वहां पर हमें इस चिन्ह का प्रयोग करना होगा, जैसे मोहन लिखा, गोपाल, गिरिधर आदि। अगला चिन्ह पढ़ते हैं, पांचवा जो आपका दिया है विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक, विस्मयादि बोधक, जहां ऐसे शब्द मिले जिनसे हर्ष, खुशी, ठीक है, उल्लास, दुख, शोक, घृणा, नफरत, ऐसे भावों का जो है स्पष्टीकरण हो, उनके चिन्ह शब्दों के बाद में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे वाह, आप यहां कैसे पधारे, मतलब कोई व्यक्ति आ गया, आप विस्मय में पड़ गए, आश्चर्यचकित हो गए, तो वहां पर आप जो शब्द पहले प्रयुक्त करेंगे उसके बाद इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, एक ऐसे लाइन खींच के नीचे जो है हम बिंदी लगा देते, ये हो जाता है विस्मयादि बोधक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, इनके प्रयोग आपको पता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, भैया जानते ही जानते हो, जब किसी से कोई बात पूछी जाती है तो वहां पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें प्रत्युत्तर मिलना होता है, ठीक।
प्रश्न पूछा जाएगा तो वाक्य के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह रखते हैं, कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, इन सब वाक्यों के अंत में क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा ही होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपका सातवां जो होता है यह ब्रैकेट कहलाता है, जिसको हम कोष्ठक बोलते हैं। वाक्य के बीच में कोई ऐसा शब्द आ जाए जिसके अर्थ को हमें स्पष्ट करना हो, ठीक है, तो वहां पर इस कोष्ठक का प्रयोग कर लेते हैं, उसके बीच में हम लिख देते हैं इसका अर्थ। जैसे उच्चारण जीभ एवं कंठ से होता है, अब उच्चारण का अर्थ मतलब बोलना हुआ, तो यहां ब्रैकेट लगा के लिख दिया गया उच्चारण, फिर ब्रैकेट में बोलना, यानी बोलना क्या होता है, जीभ एवं कंठ से होता है, अर्थ इसका यह है। लेकिन जो ऐसे शब्द लिखे मिल जाए जिनका अर्थ स्पष्ट ना हो, उन अर्थों को स्पष्ट करने के लिए हम बगल में ब्रैकेट लगा के उनके अर्थ को लिख देते हैं। अगला है आठवां प्रकार इसका, योजक, जिसको हाइफन बोलते हैं, ठीक। हाइफन में योजक चिन्ह आखिर किस लिए प्रयुक्त होते हैं, देखिए हिंदी में अल्पविराम के बाद योजक चिन्ह का प्रयोग अधिक होता है, ठीक। दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होते हैं, इसको विभाजक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे जीवन में सुख दुख, अब ये शब्द ऐसे हैं, इन दोनों को हमें अलग करना है, तो बीच में हमने योजक चिन्ह का प्रयोग कर दिया, ठीक। ऐसे दूसरा है रात दिन परिश्रम, ठीक। ये सारी चीजें जो है क्या है, ये आपको जहां पर अलगाव दिखाना होगा, वियोजक दिखाना होगा, वहां पर इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन इनका समास वगैरह उन सब की दृष्टि से लिखा है। नौवां जो आपका लिखा है यह है अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, ठीक है। अवतरण या उद्धरण, जहां पर आप किसी का उदाहरण दे रहे हैं तो वहां पर वाक्य को कैसे, जैसे जब किसी कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है, किसी की कही हुई बात को, ठीक है। मैंने कोई वाक्य बोला है, मेरे वाक्य को कहने के लिए आपको इन्वर्टेड कॉमा यूज करना होगा। जैसे राम ने कहा, क्या कहा, सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है, ठीक। अब राम ने कहा था इसलिए इस चीज को हम इन्वर्टेड कॉमा में प्रयोग किए, समझ गए। जहां पर किसी की बात को कहना होगा वहां पर हम इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते ही करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनके बाद दसवां जो आपका चिन्ह है यह होता है लाघो चिन्ह। लाघो का अर्थ होता है, यह चिन्ह आपका पूछा भी जा चुका है, वैसे जितने मैं बता रहा हूं वो सभी पूछे गए हैं। लाघो चिन्ह का अर्थ होता है किसी चीज को छोटे में लिखना, ठीक है। जैसे किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते, जैसे हमें लिखना है डॉक्टर, तो हम डॉक्टर के बाद शून्य लगा दिए, अब ये हो गया डॉक्टर, ठीक है। हमें मास्टर लिखना है तो हम ऐसे लिख दिए, ये मास्टर हो गया, ठीक। ऐसे शब्दों में जिनके आगे जीरो लगा होता है, अंग्रेजी में क्या करते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, ऐसे डीआर लिख के पॉइंट लगा दी, ये डॉक्टर हो गया, ठीक। तो ये लाघव चिन्ह कहलाता है, हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आदेश चिन्ह, ठीक, साइन ऑफ फॉलोइंग। ये क्या होता है, किसी विषय के को क्रम से लिखना हो तो विषय क्रम व्यक्त करने से पूर्व आदेश चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे वचन के दो भेद है, अब यहां पर आदेश चिन्ह का प्रयोग हुआ, एक वचन बहुवचन, यानी किसी विषय को क्रम से लिखना है, जब एक सीरियल में किसी चीज को लिखना है वहां पर इसका प्रयोग होगा। अगला है रेखांकन चिन्ह, अंडरलाइन जिसको बोलते हैं। वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द पद वाक्य रेखांकित कर दिया जाता है, जहां पर ये मिलेंगे, महत्वपूर्ण शब्द मिल गए उसके नीचे हम लाइन खींच देते हैं, अंडरलाइन कर देते, यानी ये चीजें आपकी महत्वपूर्ण है, तो उनको दर्शाने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। अगला है 13 नंबर आपका, मार्क ऑफ ओमिशन, यानी कौन सा, लोप चिन्ह या लुप्त चिन्ह। देखिए जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे गांधी जी ने कहा परीक्षा की घड़ी आ गई है, फिर डैश 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 हम क्या करेंगे, हम करेंगे या मरेंगे। अब इन चीजों में क्या है, जहां पर जैसे खाली स्थान जो चीजें छोड़नी है वहां हम ओविजन का सिंबल लगा देते। इसके अलावा एक आपका होता है त्रुटिपूर्ण बोधक, उसमें ऐसे इसको हंसपद भी बोलते हैं, कोई चीज छूट जाती है तो वहां पर लगा के ऐसे सिंबल लिख देते हैं, ठीक है।
कि ये शब्द हो गया। टिप्पणी किसी पर लिखनी है तो उसके लिए ऐसे इस स्टार के सिंबल का प्रयोग करते हैं, ठीक। ये चिन्ह आपके और माने जाते हैं। तो मुख्य रूप से 13 है, 13 के बारे में मैंने बताया। उम्मीद है आपको विराम चिन्हों से संबंधित चीजें समझ में